हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पास्ता। तो पास्ता हमने उबाल कर रखा हुआ है और कुछ सब्जी भी हमने कट करके रखी हुई है। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हो। 1 चौथा चम्मच जीरा डाला है, ये चटक गया है। इसके साथ ही 1 बड़ा प्याज कट करके रखा हुआ था, ये रफली कट कर किया हुआ प्याज है। इसको डालकर ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेना है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। साथ ही हमने यहाँ पर 2 बड़े टमाटर कट करके रखे हुए थे, उसको डाला है। इसको पका लेना है, अच्छे से गला लेना है। और 2 हरी मिर्ची ली हैं और लाल मिर्ची ली है। साथ ही हमने स्वाद के अनुसार नमक डाला है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर हमने 1/4 कप पत्ता गोभी ली है। तो पत्ता गोभी से पास्ता का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बच्चों के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कि बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते हैं, तो इस तरह से आप पास्ता में सब्जियाँ डाल सकते हैं तो बच्चों भी सब्जियाँ खा लेते हैं। और उसके साथ ही हमने यहाँ पे पास्ता मसाला डाला है और उबला हुआ यहाँ पर हमने पास्ता ऐड किया है। तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आती है तो, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर प्याज का साग को कट करके रखा हुआ था वो डाला है। इससे भी इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और धनिया को काट कर डाला है। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो हमारा पास्ता बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो बच्चे इसको बहुत ही अच्छे से खाते हैं। और वो सब्जी अगर नहीं खाते हैं पत्ता गोभी वगैरह, तो ये इसके साथ में खा लेते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।